वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर-ए-सदारत सूबाई काबीना के 16वें इजलास में पंजाब भर से 7000 से ज़ायद कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी दी गई है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ ने पंजाब भर में हाउसिंग की जामع पॉलिसी भी तलब की है। काबीना इजलास में पंजाब में MD कैट इम्तहानात के पुरअमन इनेकाद को भी सराहा गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसीउल्लाह आगाह कीजिएगा इस मुतल्लिक। आज बिल्कुल आज वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 16वां इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पंजाब भर में 7354 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पंजाब भर में हाउसिंग की जामिया पॉलिसी के हवाले से वज़ीर-ए-आला ने प्लान भी तलब कर लिया, जबकि काबीना का रहीम यार खान और कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया गया है। कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खसूसी अलाउंस की भी इस इजलास में मंजूरी दी गई है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पंजाब भर में वर्किंग वीमेन के हॉस्टल चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया है, जबकि हालिया सैलाब से जानी नुकसान ना होने पर मिनिस्टर एग्रीकेशन काजिम पीरजादा और महकमा इनहार को जो शाबाश है और उनकी कारकर्दगी को सराहा गया, जबकि एंडोलमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजलास की मंजूरी दी गई है। काबीना इजलास में पंजाब में MD कैट इम्तहानात के पुरअमन इनाकाद को भी सराहा गया। वज़ीर-ए-आला ने इस बारे से महरूम खसूसी अफराद के लिए माहाना पैकेज जो है वो प्लान वो तलब कर लिया गया, जबकि इस मौके पर दीगर जो 23 निकाती एजेंडा था उस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो सरकारी अफसरान थे उन्होंने जो प्लान था उस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब को आगाह किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमें तफसीलात से।